नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुवस्वामिनी। तृतीय दृश्य हम कर रहे हैं और ये वीडियो 11वीं वीडियो है हमारी। अब से पहले जो हमने तृतीय दृश्य किया उसकी कहानी को अगर देखें तो ध्रुवस्वामिनी शकराज के दुर्ग पर अधिकार कर लेती है या वो विजय प्राप्त करती है, क्योंकि चंद्रगुप्त शकराज को मार देते हैं। ये समाचार जब रामगुप्त के पास पहुंचता है तो रामगुप्त भी शक के दुर्ग पर अधिकार करने के उद्देश्य से वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ध्रुवस्वामिनी काफ़ी आहत है क्योंकि चारों तरफ खून की नदियां बही, बहुत से सैनिक मारे गए, स्वयं शकराज मारा गया, उसके दरबार के बहुत से सैनिक मारे गए। तो इससे जो ध्रुवस्वामिनी है वो प्रसन्न नहीं है, आहत है। वहाँ पर जब पुरोहित आते हैं वो किस लिए आते हैं, वहाँ शुद्धिकरण करने के लिए आते हैं, लेकिन ध्रुवस्वामिनी कहती है कि ऐसे शुद्धिकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। वो पुरोहित से अपने विवाह के बारे में प्रश्न करती है कि क्या ये विवाह उचित था जो आपने मेरा रामगुप्त के साथ करवाया, क्या ये उचित विवाह था, और अब इतना होने पर क्या हो गया था कि रामगुप्त ने ध्रुवस्वामिनी को भेंट स्वरूप शकराज को दे दिया था, कि इतना होने पर भी क्या मुझे यह अधिकार नहीं कि मैं अपने पति का त्याग कर सकूं या इस बंधन से मुक्ति पा सकूं। सब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, मंदाकिनी ध्रुवस्वामिनी का साथ देती है इस विषय पे, और पुरोहित भी ये कहते हैं कि मुझे दोबारा से धर्मशास्त्र देखने पड़ेंगे। तभी वहाँ पर जब ध्रुवस्वामिनी और वो सब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कोमा और उसके साथ जो कोमा के जो पिता हैं उनका वहाँ पर प्रवेश होता है। उस पर ध्रुवस्वामिनी की क्या प्रतिक्रिया रहती है और आगे क्या घटनाक्रम होता है वो आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मिहिर देव और कोमा को देखकर ध्रुवस्वामिनी कहती है कि तुम लोग कौन हो। ध्रुवस्वामिनी प्रश्न करती है उनको देखकर कि तुम लोग कौन हो, तो कोमा कहती है मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूँ, कि जिस जाति को तुम हरा चुकी हो शक जाति उसकी एक बालिका हूँ। ध्रुवस्वामिनी प्रश्न करती है और कोमा और मैंने प्रेम किया था। ध्रुवस्वामिनी इस घोर अपराध का तुम्हें दंड क्या मिला, कि तुमने जो प्रेम किया वो तो एक घोर अपराध है, फिर तुम्हें इसका दंड क्या मिला। कोमा कहती है वही जो स्त्रियों को प्राय मिला करता है, निराशा। स्त्रियों के हक में क्या है, अधिकार में क्या है, केवल निराशा है। वो अगर किसी से प्रेम करती हैं तो बदले में वो प्रेम की आशा नहीं कर सकती, इसीलिए वो कहती है कि मुझे निराशा ही मिली। निष्पीड़न और उपहास, कि मेरा मजाक किया गया, मुझे पीड़ा पहुंचाई गई और मेरा ही मजाक उड़ाया गया। रानी मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। वो रानी किसको कह रही है, ध्रुवस्वामिनी को कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ध्रुवस्वामिनी शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि जो कोमा है वो भी तो शत्रु जाति से संबंध रखती है, तो वो कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अधिक हट करने पर दंड मिलना असंभव नहीं, कि अगर तुमने ज़्यादा मेरे साथ हट किया, जिद की, तो तुम्हें दंड मिलना यानी सजा मिलना भी कोई असंभव बात नहीं है, तुम्हें सजा भी मिल सकती है। मिहिर देव जो कोमा के साथ उसके पिता आए थे वो क्या कहते हैं लंबी सांस लेकर, पागल लड़की हो चुका न, किसको कह रहे हैं, कोमा को कह रहे हैं। पागल लड़की किसको कहा उन्होंने, कोमा को। अब भी तू न चलेगी, कि हो चुका न, हो गया जो होना था, क्या अब भी तू मेरे साथ नहीं चलेगी। ध्रुवस्वामिनी की बातें सुनकर मिहिर देव निराश हो जाते हैं और वो कोमा को समझाते हैं। कोमा अपना सिर झुका लेती है। मंदाकिनी कहती है तुम चाहती क्या हो। कोमा कहती है रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री को व्यथा न समझोगी। आज तुम्हारी विजय का अहंकार चाहे तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है। कि आज माना कि तुम अहंकार के कारण, किस चीज़ का, विजय प्राप्ति के अहंकार के कारण, घमंड के कारण, हो सकता है कि जो शाश्वत सत्य है वो क्या है, स्त्रीत्व। स्त्रीत्व क्या है, प्रेम का भाव। स्त्री प्रेम की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं, तो प्रेम के भाव को हो सकता है तुम ढक लो अपने अहंकार से, लेकिन फिर भी जीवन में एक बार तो तुमने भी प्रेम किया होगा। प्रेम की दीपावली यानी प्रेम की वो शुभ घड़ी तुम्हारे जीवन में भी आई है, आई होगी, जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक महोत्सव आया होगा। आलोक क्या है, प्रकाश। प्रकाश का महोत्सव क्या होता है, दीपावली, जब चारों ओर अंधकार समाप्त हो जाता है और चारों ओर उजाला दिखाई देता है, जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयास करता है
और इस पर्व में, इस आलोक महोत्सव में क्या होता है, एक हृदय दूसरे हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। उसमें उदारता का भाव आ जाता है और हम अपना सब कुछ किसी दूसरे पर दान करने के लिए न्योछावर करने का उत्साह साहस भी हम रखते हैं। मुझे शकराज का शव चाहिए, वो कह क्यों कहती है, क्योंकि वो कहती है कि उसने भी शकराज से प्रेम किया है और मुझे अब उसकी मृत देह चाहिए, उसका मृत शरीर चाहिए। ध्रुव स्वामी कहती है, सोचकर जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शव को ले जाकर जलो। जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। ऐसे वो अपने भावों को अभिव्यक्त करती है और कहती है, ऐसे लगता है कि जब वो जीवित थे शकराज, तो शायद तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। मजाक कर रही है उससे, उसको कटाक्ष कर रही है वो। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है, सैनिक से इसे ले जाने दो। और वो कहती है कि अगर तुम्हें जलना ही है, परेशान ही होना है, तो तुम ले जाओ इस शव को। ऐसे लगता है कि जब ये जीवित था तो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही शीतलता प्राप्त हुई है इससे। शीतलता का मतलब प्रेम भाव मिला है। और उसकी तरफ देखकर कहती है कि इसे शव ले जाने दो। वहाँ से कोमा और महिरदेव चले जाते हैं। मंदाकिनी, स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं कि स्त्रियाँ जो बलिदान देती है, जो अपना सर्वस्व नौछावर कर देती है, इसका भी कोई मूल्य नहीं है, इसकी भी कोई कीमत नहीं है। कितनी असह्य दशा है, कि कितनी असह्य दशा उसकी हो रही है, किसकी, कोमा की। अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से यह पुरुष के चरणों को पकड़ती है। निर्बल यानी कमज़ोर और सहारा ढूंढने वाले जो हाथ हैं, उससे वो पुरुष के चरणों को पकड़ती है और सदैव इनके तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करते हैं, तब भी ये बावली क्या मानती है। लेकिन वो पुरुष क्या करते हैं, हमेशा ही तिरस्कार करते हैं स्त्रियों का, उनसे घृणा करते हैं, उसकी दुर्दशा कि वो भिक्षा से उपकृत करते हैं, उसकी भिक्षा देते हैं उसे, लेकिन तब भी ये बावली क्या मानती है। लेकिन तब भी स्त्री नहीं मानती, फिर भी वो पुरुष के प्रति समर्पण का भाव अपने मन में रखती है। ये कौन कह रहा है, मंदाकिनी कह रही है, केवल एक कोमा के लिए नहीं, बल्कि कोमा को आधार बनाकर संपूर्ण स्त्री जाति को संबोधित कर रही है मंदाकिनी। ध्रुव स्वामी, भूल है, भ्रम है, ठहर कर, किंतु उसका कारण भी है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि भूल है, भ्रम है, ये जो प्रेम का भाव है, ये हमारी भूल भी है और भ्रम भी है, लेकिन इसका कारण भी है। प्राधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उसकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है कि जो स्त्री का स्वभाव ऐसा हो गया है, कैसा, प्राधीनता का, दूसरे के अधीन रहना, किसके अधीन, पुरुष के अधीन रहने की जो परंपरा है, ये आज की नहीं बल्कि बरसों से उसके खून में बस चुकी है, उसकी नसों में बस चुकी है और ना जाने किस युग से ये चली आ रही है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। वो सब बातें समझती हैं लेकिन फिर भी ये गलती उनको करनी ही पड़ती है। क्या वह मेरी भूल नहीं थी जब मुझे निर्वासित किया गया, कि जब मुझे निकाल दिया गया और मैंने उसको स्वीकार कर लिया, तो क्या वो मेरी गलती नहीं थी। तब मैं आत्म मर्यादा के लिए कितनी तड़पी थी और राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय चला, कि मैंने राजाधिराज रामगुप्त से अपनी रक्षा के लिए कितना मैं तड़पी थी, उनके चरणों को मैंने पकड़ा था, उनकी अपनी रक्षा के लिए मैं उनके चरणों में गिरी, लेकिन क्या कोई उपाय हुआ, क्या कोई इसका हल निकला, नहीं। पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पथ पर ले ही आया, कि पुरुष प्रभु सत्ता का, पुरुषों की प्रभुता यानी पुरुषों की सत्ता का जो जाल है, पुरुष अपनी सत्ता हमेशा स्थापित करना चाहते हैं, हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को अग्रसर रहते हैं। तो ये जो जाल उन्होंने बुना था अपनी विजय का, अपनी सत्ता का, ये मुझे अपने निर्दिष्ट पथ, क्या होता है, जो निर्देशित किया गया हो, उस मार्ग पर, उस रास्ते पर ले ही आया। मंदाकिनी को कहती है, यह दुर्ग विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य है, इसे मैं नहीं समझ सकती कि मैंने शकराज के दुर्ग को जीत लिया, ये मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य है, ये मैं नहीं सोच पा रही हूँ। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती, कि मैं अब राजा से मिलना नहीं चाहती। राजा कौन है, रामगुप्त, जो शक दुर्ग पर अधिकार होने के बाद वहाँ पर आ गया है।
पृथ्वी तल से जैसे एक साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। पृथ्वी तल यानी धरती से, धरा से, जमीन से एक साकार रूपी घृणा, घृणा यानी जो ईर्ष्या का भाव है उसके प्रति जो घृणा का भाव है, वो मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है कि वो मुझे कि शकराज के मृत्यु के पश्चात रामगुप्त का आगमन और रामगुप्त के प्रति मेरे मन में जो घृणा का भाव है वो मुझे अपने पीछे आने के लिए कह रहा है। क्यों, क्या ये मेरे मन का कलुष है? कलुष यानी पाप है। क्या ये मेरे मन की कालिमा है या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ या मैं मानसिक रूप से पाप की भागीदार बन रही हूँ? वो बेचैन है और वहाँ से चली जाती है। मंदाकिनी कहती है, नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से हटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है कि नारी का मन कैसे है, उसका जो मध्य बिंदु है वहाँ से हटकर शास्त्र का एक मंत्र, कौन सा शास्त्र का मंत्र? जो विवाह के समय उसने शास्त्र के मंत्र को आधार बनाया था नया रिश्ता बनाने में, वो मंत्र उसके मन में गड़ गया है। कैसे? जैसे कोई कील चुभ जाती है, गड़ जाती है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है। सरल जो बहुत आसान है, प्रवर्तन चक्र बदलाव के, बदलाव का जो समय है उसमें जाने से रोक रहा है। निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है, निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, अनुराग करती है, प्रेम करती है। मंदाकिनी ये कहती है कि जो समय बदल रहा है, समय क्या बदल रहा है कि चंद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी का साथ दिया, ये उसे समझना चाहिए और बदलते हुए समय के साथ चलकर रामगुप्त का त्याग उसे कर देना चाहिए। चंद्रगुप्त आ जाता है, सहसा प्रवेश करता है। कौन? मंदा। मंदाकिनी, अरे कुमार अभी थोड़ा विश्राम करो। क्यों? कहती है वो, क्योंकि कुमार घायल हो चुके थे तो वो कहती है कि अभी थोड़ा आराम करो। चंद्रगुप्त, बैठते हुए विश्राम? मुझे क्या, कहाँ विश्राम, मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका है कि मुझे आराम कहाँ है, मैं तो अभी यहाँ से जाने वाला हूँ क्योंकि मेरा जो कार्य था वो पूरा हो गया है, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। कौन सा कर्तव्य था? दुर्ग शकराज को मारकर उसके दुर्ग पर अधिकार करना। अब यहाँ मेरा ठहरना उचित या अच्छा नहीं है कि अब मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। मंदाकिनी कहती है, किंतु भाभी की जो बुरी दशा है, भाभी कौन है? ध्रुव स्वामिनी। चंद्रगुप्त, क्यों, उन्हें क्या हुआ? मंदाकिनी चुप रहती है, बोलो मुझे अवकाश नहीं। चंद्रगुप्त उसे कहता है कि बोलो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। राजाधिराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकता। राजाधिराज कौन है? रामगुप्त का सामना होते ही क्या परिस्थितियां होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि अब यह राजनीतिक छल प्रपंच मैं नहीं सहन कर सकता कि राजनीति में जो अभी छल है, कपट है, इसको मैं अब सहन नहीं करूंगा। ये कौन कहता है? चंद्रगुप्त कहता है मंदाकिनी से। किंतु उन्हें ऐसा ही अवस्था में छोड़कर आपका जाना क्या उचित होगा? और चुप हो जाती है। मंदाकिनी चंद्रगुप्त की बात का जवाब देती है कि क्या आप ध्रुव स्वामिनी को असहाय छोड़कर यहाँ से चले जाओगे तो क्या यह ठीक होगा? और ये कहने के बाद वो चुप हो जाती है। चंद्रगुप्त, और क्या, वह क्यों नहीं कहती हो कि और जो बच गया है, जो शेष तुमने छोड़ दिया है, वो भी मुझे बताओ। मंदाकिनी, तो क्या उसे भी कहना होगा? महादेवी बनने से पहले ध्रुव स्वामिनी का जो मनोभाव था वह क्या आपसे छिपा है कि महादेवी बनने से पहले ध्रुव स्वामिनी मन से आपको प्रेम करती थी, क्या आप उस भाव को नहीं समझते? चंद्रगुप्त, किंतु मंदाकिनी उसकी चर्चा करने से क्या लाभ? लेकिन चंद्रगुप्त इस बात की चर्चा नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वो अब रामगुप्त की पत्नी है। मंदाकिनी कहती है, हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार, कि हृदय में नैतिकता से विचार करो और प्रेरणा प्राप्त करके पौरुष का गुण क्या है? वीरता का गुण है, कि वीरता की पुकार को एक साथ इकट्ठा करके सोचो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए, कि अब आपका कर्तव्य क्या है, इस पर आप विचार करो। चंद्रगुप्त चिंतित भाव से टहलने लगता है। नेपथ्य में कुछ लोगों के आने जाने का शब्द और कोलाहल, नेपथ्य यानी जो मुख्य स्टेज है उसके साइड में या उसके पीछे कुछ लोगों के आने जाने का शब्द और कोलाहल, आवाज़ें आती है। देखूं तो ये क्या है और महादेवी कहाँ गई? और वहाँ से मंदाकिनी चली जाती है।
चंद्रगुप्त अकेले हैं वहाँ पर, और क्या कहते हैं कि विधान की शाही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। विधान यानी किस्मत की शाही, किस्मत की कलम से अगर एक बिंदु कहीं गिर जाए भाग्य लिखे हुए भाग्य पर, तो भाग्य लिपि यानी लिखी हुई किस्मत पर, तो वो कालिमा चढ़ा देता है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक पन्ने पर कुछ लिखा हुआ हो और उस पर कहीं पर भी अगर ज़रूरत से अधिक शाही गिर जाती है तो वो उस लिखे हुए को छिपा देती है, बिल्कुल उसी प्रकार ये कहते हैं कि जैसे भाग्य की लिपि पर जो मेरी किस्मत लिखी हुई है उस पर कालिमा की जो शाही का एक बिंदु गिर गया है, तो उससे क्या हो गया है, उस लिखे हुए पर कालिमा चढ़ गई है। जैसे इस बिंदु के नीचे दूसरा शब्द छुप जाता है, उसी प्रकार वो अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। आज मैं यह स्वीकार करता हूँ, आज मैं ये स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है, कि आज मैं ये क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों संकोच कर रहा हूँ कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है। ठहर कर, हाँ वह मेरी है, उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन अंतस्तल में, अंतस्तल से निकली हुई यह मूक स्वकृति आज बोल रही है मेरे हृदय की गहराइयों से। अंतस्थल यानी अंदर का स्थल, अंदर की गहराइयों से निकली हुई यह मूक स्वकृति, मूक यानी चुप है जो, लेकिन फिर भी स्वीकार करता, वो स्वकृति है, स्वीकार किया है मैंने उसे, चुप रहकर भी जिस बात को मैंने स्वीकार किया है वो आज बोल रही है। मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ, और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही, कि वो कहते हैं कि दूसरों के अन्याय को मैं देख रहा हूँ जबकि मैं पुरुष हूँ, मुझ में वो सब गुण है, पौरुष्य के गुण हैं, लेकिन फिर भी मेरी वाग्दत्ता वाणी से स्वीकार की हुई पत्नी आज मेरे ही अनुत्साह से, कि मैं उत्साहित नहीं उसे प्राप्त करने में, मैं उसके लिए अपना अधिकार उस पर नहीं जमा रहा या अपने अधिकारों को प्राप्त करने के प्रति उत्साहित नहीं हूँ, इसीलिए वो आज मेरी नहीं है। नहीं, यह शील का कपट, मोह और प्रवंजना, प्रवंजना क्या होता है, धोखा, धोखा है कि नहीं, यह जो शील का कपट, शील क्या होता है, जो एक व्यक्ति विशेष के गुण होते हैं जिसमें कि त्याग दया का भाव, इस प्रकार के भाव होते हैं, मोह यानी प्रेम, और धोखा है, मैं जो हूँ वही तो स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट कर सका, कि मैं जैसा हूँ, मेरा ये व्यक्तित्व नहीं है कि मैं चुप रहूँ, अन्याय के विरोध में कोई भी अपने विचार प्रकट ना करूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है, वही तो स्पष्ट रूप से, और जो स्वभाव है उसे मैं स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर सका। यह कैसी विडंबना है, कि यह कैसा दुर्भाग्य है, विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छुपा सकेगी, कि विनय के आवरण, आवरण क्या होता है, किसी की चीज़ को ढक लेना, विनय जो मैंने विनय के भाव को अपनाया हुआ है, नम्रता के भाव को अपनाया हुआ है, ये मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी, कि ये मेरी कायरता का परिचय मैं दे रहा हूँ और ये कब तक छुपेगी इस विनय के आवरण में। एक और मंदाकिनी का आगमन होता है। मंदाकिनी कहती है, शकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राजाधिराज के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। राजाधिराज कौन है, रामगुप्त, कि रामगुप्त के सैनिकों ने कोमा और महीर देव की हत्या कर दी। ध्रुव स्वामिनी प्रवेश करती है और हैरानी व्यक्त करती है, दूसरी ओर से सामंत कुमारों का वहाँ पर आगमन हो जाता है। तो ये जो आज हमने व्याख्या की, इसमें जो घटनाक्रम है उसमें क्या है कि कोमा और महीरदेव शकराज का शव लेने के लिए आते हैं, ध्रुव स्वामिनी उसे आज्ञा देती है और कोमा अपने मन के भावों को व्यक्त करती है, स्त्रीत्व के जो गुण हैं उनके बारे में बताती है, ध्रुव स्वामिनी भी अपने मन के विचारों को व्यक्त करती है कि हालात से स्त्री कैसे असहाय बन जाती है, परिस्थितियों के कारण कैसे निर्बल हो जाती है, वो भाव व्यक्त करती है। मंदाकिनी भी जो स्त्री मन के भाव है उनको अभिव्यक्त करती है, और चंद्रगुप्त के सामने ध्रुव स्वामिनी को बचाने और गुप्त साम्राज्य पर अपना अधिकार जमाने के लिए मंदाकिनी चंद्रगुप्त को समझाती है या उसे प्रेरित करती है। ये आज की व्याख्या थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।